यहाँ पे आपका है ब्लॉक एडिटर। ब्लॉक एडिटर का क्या यूज होता है कि हम अपने ब्लॉग को एडिट करना चाहते हैं, तो जैसे आप ब्लॉक एडिटर में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए A1, A2, A3, हमें A3 को एडिट करना है। तो अभी हम पहले यहाँ पे 2-3 पार्ट और इंसर्ट करा ले रहे हैं इसका। A3 जहाँ जहाँ आपको इंसर्ट कराना हो आप डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे अगर आप सिविल में हैं के हैं तो आप जैसे कोई डोर बना लिया और सेम डोर आपको कई जगह पे लगाना है, तो आप एक बार ब्लॉक क्रिएट कर लीजिए और बार बार वहाँ पे आप लगा सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल के हैं, मान लीजिए आपने कोई भी ड्राइंग बनाई है, कोई भी नट वगैरह, तो आपको एक ही सेम साइज के कई जगह आपको दिखा रहे हैं, तो आप एक ब्लॉक बना के टैग उसे पेस्ट करा सकते हैं। एडिट ब्लॉक एडिटर A3, ओके। अब देखिए आपका एक नया टैब खुल के आ जा रहा है, या आपका एक नया टैब खुल के आ गया है। तो हमें कुछ नहीं करना, हम होम पे जा रहे हैं। जो जो आपको इसमें एडिट करना है, कि जैसे हमने ट्रिम ले लिया, TR इसको हम ट्रिम करना चाहें, सॉरी मैं हमने एक्सप्लोर नहीं कराया था टैब, ये हमारा ट्रिम हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कुछ और भी बनाना चाहें, मान लो हमने ऐसा कुछ बना दिया, तो यहाँ से क्लोज ब्लॉक एडिटर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है कि आप चेंज करना चाहते हैं या नहीं। जैसे हम चेंज करेंगे तो देखिए जो चीज आपने एक जगह चेंज की वही आपका सब में चेंज हो गया। कॉपी और ब्लॉक आप कह सकते हैं जैसे सेम है, बट होता क्या है दोनों में डिफरेंस कि कॉपी में एक चेंज करेंगे तो बाकी चेंज नहीं होंगे, बट ब्लॉक में एक चेंज करेंगे तो बाकी सारे ब्लॉक्स आपके चेंज हो जाएंगे।